वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली उम्मीद है सब खैरियत से होंगे अल्लाह केफज़ोई ईमान में होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं पंजाबी लाइफस्टाइल सीक्रेट्स में मैं आपकी पंजाबन ये देखें जी कितनी मज़े की कलरफुल सी यमी स्पाइसी बिरयानी स्टूडेंट बिरयानी आज मेरे चैनल को पूरे दो माह हो गए हैं तो मैंने सोचा इसकी सेलिब्रेशन की जाए जो पहली डिश थी बिरयानी बनाई थी मैंने और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस बनाया था तो, तो आज भी मैंने वही डिश बनाई तो चले देखते हैं ये कैसे बनती है एक नए ट्विस्ट के साथ इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें ये देखें चिकन है ये क्वान्टिटी आप अपनी देख लें वैसे मेरे पास तो जो है एक किलो चिकन है प्याज है उसमें तकरीबन आधा किलो टमाटर मैंने काट लिए हैं लेमन के स्लाइस कर लिए हैं हरी मिर्चें हैं और लहसुन अदरक कुटा हुआ है मोटा मोटा सा और इसके साथ ये पुदीना है फ्रेश घर का हमने गमलों में लगाया हुआ है इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इसकी मैं आपको क्या बताऊँ आप फील नहीं कर सकते घर के वही नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा मसाले और साथ बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है तो देखते हैं अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं इसको कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार और मेरे चैनल पंजाबी लाइफ स्टाइल सीक्रेट्स की सेलिब्रेशन की खुशी में ये जी मिर्चें तो भी कहो कि मिर्चा ही मिर्चा कीतियाँ ये देखिए लाल मिर्चें बिरयानी मसाला और दूसरी कुटी हुई मिर्चें स्पाइसी चीज़ें अच्छी चीज़ लगती हैं ना लेमन के स्लाइस और पुदीना ये ऊपर गार्निशिंग के लिए तो बाकी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डालिए जितनी आप खाते हैं ये नहीं कहना कि पंजाबन ने क्या तो इतनी मिर्चें डालो तो मैंने इतनी डाल दी ये देखिए चावल बॉयल करने के लिए रखती हैं चावल में गरम मसाला साबित वाला जिसमें ज़ीरा एक दो लौंग काली मिर्चें दालचीनी और अगर मोटी इलायची है तो वो भी डाल दें पानी बॉयल होने के लिए रख दिया पानी को बॉयल आ गया तो इसमें चावल शामिल कर दिए चावल बॉयल करने का वही तरीका सबको पता है थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड कर दिए कर दिया इससे जो है वो चावल खिले खिले रहते हैं टूटते नहीं हैं बस एक कनी आपने चावल बॉयल करने हैं तो जी दूसरे पैन में हम लोगों ने ऑयल लिया ऑयल अच्छा खासा जाएगा बिरयानी में क्योंकि यही ऑयल की जो वो लेयर्स आएंगी तय आएंगी तो इसमें डालेंगे लो इसमें सुट दें सारे प्याज आपने जो बनाए हुए थे सुट के इसको हिलाएं हिला हिलाा के इसको पुने अपनाएं फिर उसके बाद इसमें बाकी मसाले डालेंगे एक हमारी कुक है पलवशा इंस्टा पे हैं यूट्यूब पे भी हैं और आई थिंक वो टिकट पे भी होंगी बहुत अच्छी बहुत नाइस है मुझे बहुत पसंद है उनका जो बोलने का स्टाइल पंजाबी उर्दू मिक्स मेरी भी नेचर वैसी है तो अच्छी चीज़ों को हमेशा कॉपी करना चाहिए और अच्छे लोगों को भी कॉपी करना चाहिए हम लोग हमेशा पहले नेगेटिव चीज़ों को कॉपी करते हैं जो कि बहुत गलत बात है ये देखिए जी प्याज ब्राउन हो गया इसमें मैंने चिकन डाल दिया तो चिकन और प्याज को मिक्स करें दोनों आपस में बातें करें घुले मिलें एक दूसरे के साथ जब दोनों ब्राउन हो जाएंगे दोनों की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी तो इसमें बाकी मसाले डालेंगे लो जी हूँ तुम तो करो आपस में ग चिकन थे प्याज इसको हलाएँ हलाएँ इतना कुम्भकमाएँ कि उनको कुम्भक मेरियाँ आनी शुरू हो जाएँ प्याज और चिकन को तो जब ये कहें बस हम पक गए हैं तो इसमें जी अदरक लहसन को भी शामिल कर दें ये क्यों पीछे रह जाए ये भी तो उनके साथ जाए ना मिल के आपस में ये भी बातें करें एक दूसरे को स्टोरियाँ सुनाएं जी ये देखें इनको फिर घुमाया झूले दें इनको घुम घुमा के ये हिलाया हिला के इनको पकाया जब अच्छा सा रोमा आ गया तो इसमें हरी मिर्चें थोड़ा सा पुदीना टमाटर और लेमन के स्लाइस लेमन तो देखें जी अब तो बहुत अच्छी हैं जैसे ही रमज़ान आना इनको आग लग जानी है ये हमारी हुकूमत के करिश्मे हैं इतनी आग लग जानी है लेमन को कि ये पहुँच से बाहर हो जाते हैं पता नहीं मुझे समझ नहीं आती इसमें ऐसा क्या आ जाता है कि इसमें हीरे लग जाते हैं कि इतना महंगा हो जाता है अल्लाह ताला सब के रिस्क में इजाफा करे और सब को ये हिम्मत दे कि वो अच्छे से रमज़ान गुजार सके हमें भी इतनी तफीक दे के हम दूसरों का ख्याल रख सकें आमीन ये देखिए जी कितना हरा भरा सा मसाला लग रहा है ना अब सारी चीज़ें इन्हें मिक्स हो गई है कितनी प्यारी लाल नीली पीली सफ़ेद गुल मिल गई हैं एक दूसरे के साथ तो जी ऐसे ही रिश्तों को भी तड़का लगाते रहना चाहिए प्यार का अच्छी अच्छी बातों का मज़ाक का हंसी का ताकि रिश्ते एक दूसरे के साथ क्लोज रहें ये देखिए कितना मज़े का मसाला भून गया है ऑयल आ चुका है अब इसमें बाकी के मसाले जो तो स्पाइसेस डालने हैं वो डालेंगे ऐ मिर्चा जी लालो लाल देखें ज़रा बहुत स्पाइसी बनी थी खानों में से धुं निकल आए थे लेकिन मज़ा भी इसी का होता है वो फीकी बिरयानी बन जाए तो फिर वो मज़ा भी नहीं आता ये मैंने बिरयानी मसाले का हाफ पैकेट था दो चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली और एक चम्मच मैंने इसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डाली और चावल थे तकरीबन पौने दो किलो तो उस हिसाब से मैंने डाली थी तो इसमें नमक शामिल करेंगे अपने फ्लेवर के मुताबिक क्योंकि चावलों में भी नमक डाला था और बिरयानी में भी नमक होता है मसाले में और चिकन में भी जाएगा तो इसलिए बहुत सोच समझ के नमक डालना है ये ना तेज़ हो जाए ये देखिए भुन गया है मसाला इसको हल्की आंच पे अब अच्छी तरह भून के तो इसको जो है वो ढक के हल्की आंच पे रख देंगे जब तक ऑयल ना छोड़ दे अच्छी तरह और उसमें चिकन भी गल जाए लग रही है ना कितनी मज़े की कितनी आसान अगर तुझे चाहो तो नीचे चा, आलू भी सुट लो वो आपकी मर्ज़ी है कुछ लोग आलू डालते हैं लेकिन हमारी फैमिली में नहीं पसंद करते बस इसी तरह मसालों में चिकन को मिला के इसको रख देंगे अच्छी तरह से ऑयल छोड़ देगा तो हमारा चिकन का ये जो ग्रेवी कोरमा मसाला जो भी आप इसको कहना चाहें वो रेडी हो जाएगा बिरयानी के लिए उधर से चावल बॉयल हो गए हैं तो है ना कितनी आसान गेस्ट आ रहे हो एक दिन पहले मसाला बना के रख लें नेक्स्ट डे चावल बॉइल करें और लेयर दे दें मसाला गर्म करके कितनी आसान लाइफ लाइफ को आसान बनाएं ये देखिए जी ये मैंने हाफ़ मसाला निकाल लिया ऑयल निकाल लिया हाफ़ मसाला नीचे पतीली में रहने दिया इसके है इसके ऊपर थोड़े से चूल सूट दिए हैं और जो है इसको थोड़ा सा नीचे वाले मसाले को मिक्स कर दूँगी ताकि वो मसाला चावलों में मिक्स हो जाए ये ऊपर लेयर लगा दी उसमें जो है वो चिकन लेमन पुदीना फ्रेश पुदीना इतनी अच्छी खुशबू आप एक घर में छोटी छोटी चीज़ें लगाया करें गमलों में ताकि जब कभी ज़रूरत हो तो वहीं से तोड़ के इस्तेमाल करें देखिए कितनी कलरफुल सी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है देखने में ही इतनी मज़े की है तो खाँचते फिर स्वाद आएगा ही आएगा तो जी मेरे चैनल को देखते रहा करें सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली रेसिपी के बारे में पता चल सके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी दुआओं में याद रखा करें और अप्रिसिएशन दिया करें कमेंट करा किया करें कराची कहाँ से आ गया मेरी ज़बान पे कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ये हो गया जी आज मेरे चैनल को टू मंथ इनशाला फिर जब टू मंथ हो जाएंगे या वन मंथ हो जाएगा जब सेलिब्रेशन का दिल किया तब कर लेंगे इसमें क्या है तो फिर हम कुछ और बना लेंगे तो देखिए जी कैसी लगी ये बिरयानी कैसी लगी आपको ये रेसिपी ये तरीका इसको फॉलो करें बनाएं मुझे बताएं और दुआओं में याद रखें साथ मैंने रायता बना लिया था ये देखें मैंने कुचुमा रायता यानी कि रायते में पुदीने की चटनी और इसके अंदर ही प्याज मिर्च और टमाटर काट दिया था वो बहुत मज़े का रायता लगता है आपको लदा से सलाद नहीं बनाना पड़ता वो इसी तरह ऊपर डालने रखा है कितनी मज़े की कलरफुल सी लग रही है ये प्लेट्स भी बहुत नायाब है इसकी भी मैं किसी दिन आपको स्टोरी सुनाऊँगी बहुत कीमती नायाब यूनिक किस्म की प्लेट्स है चले जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तो दवाओं जानू भी याद रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और लाइफ को इसी तरह इंजॉय करते रहें हंसते रहें खेलते रहें और दूसरों का हंसाते रहें अल्लाह हाफिज़